इसके पास ये कहने के लिए कितना रुपए दिया आपको पाले जी ने? पाले जी कितना रुपए दिया? कोई स्पॉन्सर नहीं है। पाले जी वाला बोलेगा तुम्हें बनाना है बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ, मैं तुम्हें एक भी बिस्किट नहीं देने वाला है। आप लोग विंटर में आओ, क्योंकि विंटर में क्या होता है ना कि ये हरियाली जो नीचे की घास दिख रहे हैं ना, आप लोग को घास नहीं दिखेंगे, पूरा वाइट वाइट दिखेगा, क्योंकि स्नोफॉल की वजह से पूरा बर्फ रहता है इधर विंटर में। तो सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, और स्वागत करता हूँ फिर से आप लोग का एक नए ब्लॉग में। तो अभी फ़िलहाल हमारा करंट लोकेशन है, हम हैं अभी गुलमर्ग में, और आज हम ऊपर ट्रैकिंग करके जाने वाले हैं। वहाँ पे जो बर्फीला पहाड़ आप लोग को ऊपर दिख रहा है टॉप चोटी पे, तो वहाँ पे हम लोग ट्रैकिंग करके जाने वाले हैं उसे। तो यहाँ से पूरा खड़ी चढ़ाई है, आप देख सकते हैं, रास्ता खुद बनाना पड़ा और स्लिप करा बहुत ज़्यादा। पहले फ़िलहाल मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ट्रैकिंग करने का जो एक टाइमिंग होता है वो आई थिंक 8 बजे टूरिस्ट डिपार्टमेंट खोलती है, तो 8 बजे से सब लोग ऊपर जाना चालू करते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम लोग के बाहर का नज़ारा ये है, आप देख सकते हो, और हम लोग यहाँ पे कैंपिंग किए हुए थे। लेकिन जाने से पहले अभी यहाँ पे कुछ बन रहा है, कुछ डाइट ले रहे हैं, फिर उसके बाद खाते हैं और फिर निकलते हैं। लेकिन फ़िलहाल वेदर काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो हाँ जी, आज के हमारा जो आज ब्रेकफास्ट था वो ब्रेकफास्ट में थोड़ा हेल्दी लेना पड़ा, और हम लोगों ने देख सकते हो चना और अंडा इस तरह मिक्स करके बना के और खा के और यहाँ पे निकलने वाले हैं। तो आइए इन वादियों में ये हम खा के निकलते हैं। तो हाँ जी, जाने से पहले हम आप लोग को गुलमर्ग की कुछ इन्फॉर्मेशन दे देना चाहते हैं कि यहाँ की पीछे बीती हुई सालों का इतिहास क्या रहा है। बीती हुई सालों का इतिहास ये रहा है कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में 1927 ईस्वी में गुलमर्ग की स्थापना हुई थी, और इसका पहले नाम था गौरीमर्ग, जो कि यहाँ के जो चरवाहे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कश्मीर में आए होंगे तो यहाँ पे चरवाहे ज़्यादा भेड़ बकरियों के मिलते हैं, तो उन लोगों ने गौरीमर्ग रखा था। लेकिन उस टाइम के जो सुल्तान थे यूसुफ चक, जिन्होंने इस गौरीमर्ग का नाम चेंज करके गुलमर्ग रखा, और यह विश्व का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है। यहाँ पे ये जस्ट पास ही में है, यहाँ पे ये और ये, मतलब थोड़ा डिस्टेंस काफ़ी लंबा है, यहाँ से दिख नहीं रहा है, बट यह विश्व का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है और देश का प्रमुख ये पर्यटन स्थल है। तो हथौड़ा उंगलियाँ आगवा इसके यहाँ पे। तो फिलहाल हम लोग की ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ से फेज फर्स्ट के लिए हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। फिलहाल दिखाओ इधर, तो ये रहा हमारा जर्नी यहाँ का ट्रैकिंग। तो आइए मिलते हैं अपने इस एडवेंचर की लाइफ में। बंद कर दें। तो ये रहा हमारा रोड, कुछ ऑफ रोड है, थोड़ी चलाई में इशू हो रहा है, बट कुछ नहीं, मज़ा आ रहा है, आप देख सकते हो इधर का ये नज़ारा। तो यदि आप लोग का ट्रैकिंग करने का मन नहीं है, पैदल जाने का मन नहीं है, तो आप ये लिफ्ट देख सकते हैं, 750 रुपये पर पर्सन लगता है, आपको ये गंडोला पूरे हिल टॉप पर लेके जाएगा वहाँ तक। हिल टॉप से 3 किलोमीटर नीचे, वहाँ से आप लोग को चढ़ना पड़ेगा फेस। तो यहाँ पे ये भाईजान ने बताया कि ये कश्मीरी चूजे हैं, जो कि अगर बर्फ़ भी गिर जाए फिर भी ये नहीं मरते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, और इनका अंडा भी होता है ना, अंडा देते हैं ना, इनका अंडा खाएंगे तो और ताकत आएगी ना। बिना अंडे के चूजे हो गए थे भाई। बर्फ़ के साथ चूजे गिरे और बिना अंडा दिए आ गए। यार ये ऊपर से जो जा रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि सिर के ऊपर से। यार फिलहाल चलते हैं इधर की वादियों के साथ। तो यहाँ पे ये रहा ऐसा कुछ नज़ारा। रुक जाओ तू। तो अभी हम यहाँ पे रुके हुए थे, ये एक छोटा सा
नदी जैसा पानी जा रहा था नीचे की तरफ, तो यहाँ पे ये लोग ग्रिल्स शूट कर रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग इधर आ चुके थे, हालांकि एक इन्फॉर्मेशन मिला है वो आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको, हम ख़ास तौर से अपने देवियों के लिए बताना चाहते हैं जो हमारे देवी सज्जन हैं। तो ये रहा पिंक कलर का फूल। तो ये थोड़ा सा ऊपर हम लोग चढ़ेंगे और वहाँ से चढ़ के शायद हम लोग कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कर सकते हैं। फिलहाल इन भाई साहब का वीडियो बनाना है। भूख लग रहा है क्या? चलो पहुंच गए। फिलहाल हम लोग फेज टू को क्रॉस कर चुके हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं फेज वन के लिए, जो कि फेज वन की ट्रैकिंग हम लोग की यहाँ से स्टार्ट होती है। फेज टू आप लोग देख सकते हैं वहाँ तक ख़त्म हो जाती है, वो जो पोस्ट बनाया हुआ है। तो अभी के लिए फिलहाल हम लोग नीचे से, वो रहा हमारा बेस कैंप, सॉरी वो हम नीचे उतरे रुके थे और अभी हम जा रहे हैं ऊपर के लिए। तो आइए चलते हैं। तो अभी हम लोग टॉप पे चढ़ने के लिए, उससे पहले इस एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पार्ले जी का तहे दिल से शुक्रिया, जो कि 10 रुपये में इतना अच्छा बिस्किट बना रहे हैं, मज़ा आ रहा है काफ़ी। ये कहने के लिए कितना रुपए दिया आपको पार्ले जी कितना रुपए दिया? कोई स्पॉन्सर नहीं है। पार्ले जी वाला बोलेगा तुम्हें बनाना है बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ, मैं तुम्हें एक भी बिस्किट नहीं देने वाला है। बस ये इधर से जाना पड़ेगा। रास्ता बना जा सकते हैं। अरे लकड़ी दो, बहुत बुरी तरह से गिर सकते हैं हम लोग यहाँ। अरे नहीं कुछ नहीं होगा, हाँ उसे से चल। तो फिलहाल हम लोग उधर से आ रहे हैं। तो यहाँ से पूरा खड़ी चढ़ाइए, आप देख सकते हैं रास्ता खुद बनाना पड़ा और स्लिप करा बहुत ज़्यादा। जिंदगी में आ दिया चले। ये है वेस्ट टैक्सी। एक गुड न्यूज दूं, ये देखो, हालांकि आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे स्नो फॉलिंग हो रहा है। तो काफी हम लोग यार सोचो जून के महीने में भी स्नो फॉलिंग देख लें, मज़ा आ गया। और अभी हम लोग ऊपर जाना, हम लोग को तो उधर से काफ़ी मात्रा में स्नो फॉलिंग होते हुए इधर आ रहा है, आप देख सकते हो। नहीं तो हाँ जी बहुत मज़ा आ रहा है। तो हाँ जी यहाँ पे बैठे बैठे इतना स्नो फॉलिंग हम लोग को देखने को मिल गया और अभी भी काफ़ी तगड़ा हो रहा है, आप देख सकते हो। इसके पास डंडा है तो इसको पहले मैंने भेजा, मेरे पास डंडा नहीं था, मेरे पास डंडा नीचे गिर गया, छूट गया मुझे। हाँ इधर आना, इधर अरे साले गिर जाएगा, लेकिन मजा आ रहा है जा सकते हो आराम से। कम मजा आ गया भाई साहब, कुछ भी कहो पैसा वसूल, ट्रिप तो हो ही गया, मजा आ गया। स्नो फॉल देखो यार, खतरनाक वाला। तो अभी फिलहाल हम लोग नीचे उतर रहे हैं
और काफ़ी उतर चुके भी हैं। तो अभी रिगल यहाँ पे नीचे जा रहा है, वहाँ पे वो बोला स्लिप करके मैं नीचे उतरूँगा, तो देखते हैं अगर सक्सेस हुआ हमारा ये वाला एडवेंचर तो उतरते हैं। जा 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 तो अभी फिलहाल हम लोग उतर चुके हैं और यार इतना थक के चकना चूर हो चुके हैं ना पूछो मत। हालांकि वो जो सामने खंडहर दिख रहा है वो हमारा घर है, वहाँ पे हम लोगों ने किया कैंपिंग। तो आज का ब्लॉग, आज का दिन यहीं तक, आज की शाम हमारे नाम। तो भाई पहले चलते हैं यार, देखते हैं कैसे क्या होता है। मोबाइल भी पूरा डिस्चार्ज है, कुछ ना कुछ करेंगे।